हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आगे प्याचन दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करें, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज कर दिया गया है, तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, चाहे वो लेक्चरर की पोस्ट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो, चाहे आपका साइंटिस्ट रिलेटेड पोस्ट हो, तो इन सब के बारे में यहाँ पे वीडियोज़ को मैं अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं और या आप जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआई जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी या एमएससी पीएचडी रिलेटेड जो है आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे मेरे बायोलॉजी कंटेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन वो रेगुलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये आया यूजीसी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट 2020-2021 सिलेक्शन जो है उसका लिस्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया है। और ये लिस्ट ये आपका सीएसआईआर का और जो एडिशनल थ्रू एनटीई के थ्रू जो भी सिलेक्शन हुआ वो आप उसका जो है पूरा लिस्ट जो है डिटेल में दे रखा है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये जो लिस्ट है ये 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। तो जैसे ही आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे आपका नोटिफिकेशन डेट 29 सितंबर 2021, गाइडलाइंस ऑफ स्कीम, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एमएनएफ 2020-2021। तो ये सीएसआई की तरफ से आया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीएसआई में जो भी आप क्वालिफाई किए हैं तो उन्होंने जो भी कट ऑफ लाइक रखा था तो उस कट ऑफ के थ्रू, कट ऑफ अगर आपने क्रॉस किया है उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है एमएनएफ फेलोशिप जो है वो दी गई है। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट हुज रोल नंबर्स आर डिस्प्लेड बिलो हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अवार्ड ऑफ फेलोशिप थ्रू जून 2020 ज्वाइंट सी एस आई यू जी सी टेस्ट अंडर द मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर द ईयर 2020-2021 सब्जेक्ट फॉर फिलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स लेट डाउन फॉर द पर्पज। टोटल यहाँ पे देखिए 129 कैंडिडेट्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सब्जेक्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखिए, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेक्निकल टाइपोग्राफिकल एरर ऑफ एनी काइंड दिस नोटिफिकेशन, द डिसीजन ऑफ द कमिटी इन ऑल मैटर डिस्पोज शैल बी फाइनल। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा कि अगर यहाँ पे कोई भी टेक्निकल या टाइपोग्राफिकल एरर आता है ठीक नोटिफिकेशन में तो डिसीजन जो भी लिया गया है यूजीसी तरफ से वो फाइनल रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे रोल नंबर जो है मेंशन कर रखा है तो आप जो है वैन लाइक आप जब भी पीएचडी में एनरोल लेंगे तो आपको यहाँ पे पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए आपको 3 ईयर्स का जो है वो टाइम दिया जाएगा। तो विद इन 3 ईयर्स जो है आपको पीएचडी में एनरोलमेंट होना है और उसके बाद जो है आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी लाइक पीएचडी में एनरोल हो चुके हैं तो वो लोग जो है डायरेक्टली इस फेलोशिप को जो है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। लेकिन एक्टिवेशन कराने के लिए आप जो है अवार्ड लेटर का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अवार्ड लेटर जब आपके पास आ जाएगा तभी आप जो है अपनी फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। अब देख लेते हम गाइडलाइंस ऑफ स्कीम। तो की जैसे आप गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी गाइडलाइन डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो क्लियरली जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जैसे इसको ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ द फेलोशिप, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एलिजिबिलिटी, तो सारा यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है। तो आप जो है इस लाइक गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िए ताकि आपके जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कोप द फेलोशिप क्या है। फेलोशिप विल कैटर द माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट परसुइंग रेगुलर एंड फुल टाइम स्टडी लीडिंग टू अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप एमफिल या पीएचडी डिग्री के लिए जो है जब अप्लाई करेंगे तब आप इस फेलोशिप को जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ओनली। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको पता है कि आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना पड़ेगा और आपका जो यूजीसी नेट और ज्वाइंट सीएसआई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए और उस पर्टिकुलर ईयर में ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है यहाँ पे आपको एलिजिबल होंगे। तो ये नहीं कि आपने अगर इस ईयर का या आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप सोचिए कि आपको 2-3 ईयर भी आप जो इसमें सेलेक्ट हो सकते, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर लाइक ईयर में अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आप जो है एमएनएफ के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर दोबारा लाइक एग्जाम देना पड़ेगा आपको, अगर आप जो है नेक्स्ट ईयर के एमएनएफ में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको अगेन जो है सीएसआई यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये उस केस में होता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन नंबर ऑफ स्लॉट में मैंशन कर रखे हैं कि 1000 पर ईयर है, आउट ऑफ 1000 7 विल बी एलोकेटेड फॉर सब्जेक्ट अंडर एनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख 750 जो अलॉटमेंट होता है वो अंडर नेट के थ्रू होता है, नेट जेआरएफ और यूजीसी, एंड रिमेनिंग 250 फॉर साइंस कैटेगरी स्टूडेंट फॉर सीएसआईआर।
यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको 750 जो वो यूजीसी जेआरएफ के थ्रू या यूजीसी नेट जेआरएफ से लिए जाते हैं, और 250 जो आप कर लेते हैं वो साइंस कैटेगरी की है जो कि अंडर सीएसआई यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर आता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 1000 होता है। तो ये सब चीज़ उन्होंने मैंसन कर रखा है। तो आपको फेलोशिप का ड्यूरेशन देखिए उन्होंने मैंसन कर रखा है। अगर एमफिल पीएचडी कर रहे हैं तो एमफिल में आपको 2 ईयर्स का मिलेगा, तो जेआरएफ 2 ईयर्स रहेगा, एसआरएफ नील रहेगा। पीएचडी में आपको अगर आप पीएचडी में इनरोलमेंट लेते तो 5 ईयर्स रहेगा, तो 2 ईयर्स आप एज अ जेआरएफ ले सकते हैं, रिमेनिंग 3 ईयर जो है आप अपना लाइक एसआरएफ का फेलोशिप ले सकते हैं। रेट आपका जो रहेगा 31,000 पर मंथ लगेगा फॉर इनिशियल 2 ईयर जेआरएफ के लिए, साइंस ह्यूमनिटीज सोशल साइंस के लिए। फेलोशिप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 35,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग 10 ईयर एसआरएफ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंटीन्यूअस ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के लिए 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, सोशल साइंस के लिए 20,500। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए आपको 2 ईयर्स तक 10,000 रहेगा और रिमेनिंग 10 ईयर के लिए 20,500, ठीक है। कंटीन्यूअस फॉर साइंसेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 12,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, 25,000 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। इसके अलावा आप जो है एचआरए भी अपना जो है वो ले सकते हैं, चाहे 8%, 16% पर 24%, डिपेंड करता है कि आप जो मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी में कहाँ पर जो है आपका अपना पीएचडी में आप इनरोलमेंट लिए हैं, तो उसी के बेस पर आपको यहाँ पे एचआरए लिया जाता है। जैसे आप अगर मेट्रो सिटी में 24%, नॉन मेट्रो सिटी में 16%, इसमें में जो आपको एचआरए आपके फेलोशिप की बेस पे मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने आपका डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लाइक आपको सिलेक्शन इसमें आपका रोल नंबर जो है वो इस लिस्ट में है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो आप अगर आपने अभी तक पीएचडी में इनरोलमेंट नहीं लिया है तो आप जो है विद इन 3 ईयर आपको पीएचडी में इनरोलमेंट लेना पड़ेगा, और इनरोलमेंट लेने के बाद आपको अपना अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि बिना अवार्ड लेटर के जो है आप अपना जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आप जो है अपना लाइक जो अवार्ड लेटर डाउनलोड करने का वेट करिए, और जैसे आपका अवार्ड लेटर आ जाता है तो आप जो है अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है इन्होंने निकाला है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जो 29 सितंबर 2021 को निकाला गया था, तो आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर द रिवाइज गाइडिंग और इफेक्टिव फॉर्म सिलेक्शन ये 2019-2020, तो ऑलरेडी ये आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा मे बी गाइडलाइंस उन्होंने जो है यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ ज्वाइंट सी एस आई यू जी सी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन कंडक्टेड नवंबर 2020, ओनली 129 कैंडिडेट हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर एन अवार्ड ऑफ NFOBC, द लिस्ट ऑफ ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज अटैच्ड हियर वे, ठीक है। तो इस टाइप में आपको देख लीजिए NFSC का भी ऐसे ही आता है, NFST का भी ऐसे आता है, और माइनॉरिटी का भी इसी वे में ही आता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो वही चीज़ें मैंसन कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आपने का जो आपका रोल नंबर जो अगर वो इस लिस्ट में है तो आप जो हैं अपने लाइक अवार्ड लेटर का वेट करिए, अवार्ड लेटर जब आपका स्टार्ट हो जाता है डाउनलोडिंग तो उस अवार्ड लेटर को ले डाउनलोड करिए और आप जो अपना जो फेलोशिप वो एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आपने अपने पीएचडी में इनरोलमेंट नहीं हो पाया तो आप जो है पीएचडी में इनरोलमेंट इनरोल्ड होइए और उसके बाद ही आप जो है फेलोशिप अपना एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।